एवरीवन वेलकम टू स्लीपी क्लासेस गाइस आज हम डिस्कस करेंगे ईपीएफ रैपिड रिवीजन सीरीज में साइंस से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आज का हमारा टॉपिक होगा विटामिन ठीक है जी वैसे अगर हम समझे बायोलॉजी में विटामिन हमें कौन से चैप्टर में देखने को मिलता है न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन टू टाइप्स के होते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ठीक है जी ऑर्गेनिक को अगर हम फर्दर फोर पार्ट्स में क्लासिफाइड करें फैट प्रोटीन कार्ब्स कार्ब्स बोले तो कार्बोहाइड्रेट एंड देन विटामिन ठीक है जी इनऑर्गेनिक सिंपल है वाटर एंड मिनरल अब देखिए न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर है कंप्लीट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ईपीएफओ में जो साइंस है वो पांच से छह नंबर की आनी है और हमें सिलेक्टिव से ही टॉपिक करने हैं ईपीएफओ के लिए वैसे मैं आपको बता दूं एसएससी में सीडीएस में रेलवे में इवन स्टेट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें न्यूट्रिशन से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो विटामिन से ही पूछे जाते हैं बाकी हम डिस्कस करेंगे फैट प्रोटीन काप्स वाटर एंड मिनरल लेकिन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विटामिन तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं अब देखिए विटामिन सबसे पहले ये टर्म दी किसने थी सी फंक ने ठीक है जी वैसे ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते जस्ट फॉर नॉलेज हमें पता होना चाहिए कि ये टर्म सबसे पहले कि दी किसने और इसको डिस्कवर किसने करा था एन आई लोनिन ने ठीक है जी अब विटामिन काम क्या करते हैं ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं नहीं विटामिन डेंट प्रोवाइड एनर्जी प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज हमें डिसीज से बचाते हैं लाइक इसमें आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ ऐसे समझ लो कि हमारे सिर में बाल की कमी होने लग जाए मतलब एक तरह से हेयर लॉस होना शुरू हो जाए तो हमें डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप ये वाला विटामिन लीजिए ठीक है जी या फिर ऐसे समझ लो कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा जब ड्राई हो जाती है तब तो हमें डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आपको इस विटामिन को खाना है मतलब ये विटामिन आपको एज अ मेडिसिन के तौर पर लेना है ठीक है जी तो हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे कि वो कौन सा विटामिन है जो हमें मतलब कोई एस एच पर्टिकुलरली डिसीज से बचाता है अब विटामिन वाले टॉपिक में आपको क्रैम भी करना है समझना भी है अब क्रैम से आपका काम नहीं चलेगा कुछ पॉइंट्स आपको समझकर ही बेसिकली क्लियर होंगे ठीक है जी अब देखिए विटामिन मैंने जैसे कि बताया कि हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते जस्ट हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिसीज से अब टू टाइप्स के हमें विटामिन देखने को मिलते हैं वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल ठीक है जी वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं बी ग्रुप ठीक है जी काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको और विटामिन सी यहाँ पर एक्सेप्शनल है विटामिन बी ट्वेल्व ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है लेकिन जो वाटर सोल्यूबल हैं जो मतलब हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते वो बी ग्रुप के सभी विटामिन्स विटामिन एंड विटामिन सी ठीक है जी एक्सक्रीट होते हैं यूरिन के थ्रू ठीक है जी अब जो फैट सोल्यूबल विटामिन है ये कौन से ए डी ई के अब आपको यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है ओनली टू विटामिन आर सिंथिसाइज ठीक है जी सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है मेड या फिर प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी मतलब विटामिन डी कहां से प्रोड्यूस होता है स्किन से ठीक है जी और विटामिन के ये कहां से प्रोड्यूस्ड होता है लार्ज इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है जी यहाँ ऐसा आएगा एन नहीं आएगा चलिए अब देखिए ये आपको याद रखना है ये ऐसे पॉइंट्स पूछे जाते हैं और ये सी में क्वेश्चन आ चुका है एस क्वेश्चन आ चुका है इवन रेलवे में भी क्वेश्चन आ चुका है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से दो विटामिन होते हैं मतलब प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी के द्वारा विटामिन डी एंड विटामिन के विटामिन डी स्किन से विटामिन के लार्ज इंटेन्स टाइम से अच्छा चलिए हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे फैट सोलिबल विटामिन कौन से हैं ए डी ई के ठीक है A, D, e, K, जी और वाटर सोलिबल कौन से हैं बी ग्रुप यहां पर एक्सेप्शनल है बी ट्वेल और विटामिन सी चलिए अब देखिए विटामिन का जो सबसे पहले हम समझेंगे फैट सोल्यूबल में विटामिन ए विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो है रेटिनॉल ये आपको साइंटिफिक नेम याद रखने हैं इसको आप क्रैम कर लीजिए या इसको आप दो तीन बार पढ़ेंगे तब भी याद हो जाएगा इतने डिफिकल्ट नेम है नहीं ठीक है जी अब देखिए विटामिन ए के सोर्स क्या होते हैं कैरेट एप्पल मैंगो ग्रीन लीफ एंड वेजिटेबल्स ठीक है जी और ये बेसिकली किसके लिए बेस्ट होता है विटामिन ए विजन के लिए ठीक है जी आई विजन के लिए अगर इसकी कमी हो जाए डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें किस तरह की डिसीज होने का खतरा रहता है नाइट ब्लाइंडनेस ठीक है जी और नाइट ब्लाइंडनेस में एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा सेल सबसे ज्यादा वीक होता है कौन सेल ये मैंने अभी रिसेंटली साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कराए थे पंजाब पटवारी का जो आपका एग्जाम होना है ठीक है जी अगर आपने नहीं फिल किया हुआ तो पंजाब पटवारी में मैंने साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कराए थे टेन तो उसमें मैंने डिस्कस करवाया था ये क्वेश्चन ठीक है जी तो कौन सेल जो है बेसिकली ये वीक हो जाता है और इसकी वजह से होता है कलर ब्लाइंडनेस ठीक है जी और एक आपने याद रखना है ज़ीरो फेथालीमिया और इसकी वजह से क्या होता है मतलब ये क्या है बेसिकली विटामिन ए की कमी से हमें जीरो फिथेलमिया होता है और ये हमारी आइस में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस कर जाता है ठीक है ऐसे समझ लो ईचिंग होने लग जाती है ड्राई आइस में ठीक है और इसके लिए डॉक्टर हमें मेडिसिन देते हैं लिक्विड की फॉर्म में जब हम वो डालते हैं तब हमें जाकर आराम मिलता है ठीक है चलिए अब देखिए विटामिन डी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो डेफिनेटली आपने इसको आ, सुना भी होगा और कोविड नाइन्टीन के समय में जो डॉक्टर्स हैं वो रिकमेंड भी कर रहे थे जैसे कोविड नाइन्टीन जिसको भी हुआ होगा ठीक है लाइक एस मुझे हुआ था तो मुझे भी डॉक्टर ने रिकमेंड किया था और जितने भी मेरे फ्रेंड्स को हुआ था इवन हमारे कुलग्स को हुआ था उनको भी डेफिनेटली डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया था विटामिन डी अब देखिए विटामिन डी होता क्या है इसका साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है कैलसीफुर ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं साइंटिफिक नेम ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं ठीक है जी और ये टू तो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है डी एंड डी अब D2 से काम नहीं चलेगा D2 को भी आपको देखना होगा कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है एर्गो कैल्सिफ्रोल और D3 को हम लोग क्या बोलते हैं कॉल कैल्सिफ्रोल ठीक है जी अब ये जो D3 होता है बेसिकली ये रिकमेंड करा जाता है जब हमारी बॉडी में एक्सट्रीम वीकनेस आ जाती है और कोविड 19 के बाद तो हमारी बॉडी में वैसी वीकनेस बहुत ज्यादा आ जाती है और इसके सोर्स क्या है फिश ऑयल ठीक है जी कोल्ड लीवर ऑयल बेसिकली इसको आप फिश ऑयल भी कंसिडर कर सकते हैं और सनशाइन हम लोगों को हमारे घर वाले रिकमेंड करते हैं कि थोड़ी देर सर्दियों में धूप में बैठ जाओ आपको विटामिन डी मिलेगा ठीक है जी तो डेफिनेटली ये तो आपको पता ही होगा और मिल्क प्रोडक्ट्स एंड नॉन वेज एंड डेफिशिएंसी अगर मान लो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए कमी हो जाए तो कौन से हमें यहाँ पर डिसीज होने का खतरा रहता है चाइल्ड जो होते हैं मतलब जो बच्चे होते हैं उनको रिकेट्स एंड जो अडल्ट होते हैं उनको ऑस्टियो मलेशिया ठीक है जी अब यहां पर आपको एक और नाम याद रखना है ऑस्टियो पोरोसिस अब ये क्या होता है इसमें बेसिकली ये विटामिन डी की कमी से ही होता है इसमें हमारी जो बॉडी की बोन्स होती हैं वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं और ये मेनली फंक्शन क्या करता है इट प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ मतलब अगर विटामिन डी की बहुत भयंकर वाली कमी हो जाए तो हमें कौन सी डिजीज होने का खतरा रहता है ऑस्टियोपोरोसिस और मतलब हमारी जो बॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं ठीक है जी लाइक जैसे अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो और आप यूट्यूब पे अगर यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस लिखोगे तो आप देखना कि जो हमारी बोन्स होती हैं वो आवाज़ करना शुरू कर देती हैं ठीक है इस समय में ठीक है मतलब अगर इस तरह की डिजीज़ होती है चलिए उसके बाद विटामिन ई विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब हमारी बॉडी बो, का जो स्किन वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है तो हमें डॉक्टर रिकमेंड करते हैं विटामिन ई को ठीक है अब विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है टूकोफिर ठीक है जी टूको इसका साइंटिफिक नेम है सोर्स क्या है इसका आ, फिश मिल्क स्प्राउटेड ग्रेन्स स्प्राउटेड ग्रेन्स पल्स होती है क्या ना स्प्राउटेड ग्रेन्स आप चने भी ले सकते हो स्प्राउटेड में ठीक है ड्राई फ्रूट्स अगर विटामिन ई e की अगर किसी को कमी है ठीक है जी इंपॉर्टेंट किस लिए होते हैं हेयर के लिए मेनली स्किन के लिए होते हैं हमारी जो स्किन है वो हेल्थी रहती है मतलब एक तरह से ग्लोइंग करती रहती है हेल्थी ना अगर आप कंसीडर करके यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं कि हमारी स्किन क्या करती है ग्लो करना स्टार्ट कर देती है ठीक है जी और डेफिशेंसी अगर हो जाए विटामिन ई e की तो हमें कौन सा डिसीज़ होता है हमारी जो स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है बहुत ज़्यादा डल डल लगती है ठीक है ऐसे समझ लो कि लाइकस like की हमारी स्किन पे ना थोड़े थोड़े से वाइट वाइट से दाग भी होने लग जाते हैं वैसे वो अलग डिसीज़ है वो मैं आपको डिसीज़ वाले चैप्टर में बताऊंगा लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है ठीक है जी चलिए होपफुली आपको समझ में आ गया होगा विटामिन ई अब हम डिस्कस करते हैं विटामिन के ठीक है जी विटामिन के भी बहुत इंपॉर्टेंट है और विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम है ये आपको याद रखना है फिलोकिनोन ठीक है जी फिलोकिन विटामिन के का साइंटिफिक नेम है और सोर्स uh, क्या है इसके ग्रीन लीफ वेजिटेबल स्पाइन मेथी मेथी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है विटामिन के की अगर किसी को कमी हो जाए और टोमेटो ये भी बहुत भयंकर सोर्स है विटामिन के का ठीक है जी अब ये हेल्पफुल किस लिए होते हैं विटामिन के अगर मतलब अगर हम समझे मेनली इसका फंक्शन क्या होता है ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसको क्लोट करने के लिए मतलब क्लोटिंग के लिए ब्लड क्लोटिंग भी बहुत जरूरी है अगर देखो एक्सेसिव ब्लड क्लोटिंग भी बहुत हमारे लिए दिक्कत पैदा कर देती है अगर मान लो कि ब्लड क्लोटिंग नहीं हो रही तब भी हमारे लिए दिक्कत है अब मैंने आपको साइंस में क्वेश्चन में एक डिसीज़ बताया था रॉयल डिसीज अब रॉयल डिसीज़ में क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे प्लीज़ ठीक है जी अगर आप मेरे सभी के सभी सेशंस देख रहे हो साइंस के तो ये क्वेश्चन मैं शायद दो बार डिस्कस कर चुका हूं अलग अलग वे में तो आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन आता होगा ठीक है जी अब देखिए क्लोटिंग हमारे लिए ज़रूरी क्यों होती है मैं आपको समझाता हूं मान लो कि हम खेल रहे हैं और खेलते खेलते हमें आ, कहीं पर ऐसा स्क्रैच लग गया हमारे हाथ पर और एकदम से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई ठीक है जी अब ब्लीडिंग होती है हम हाथ रख लेते हैं उस पर ठीक है जी या फिर समटाइम्स हम उस पर डिटोल लगा लेते हैं या कुछ ऐसा फर्स्ट एड्स बॉक्स से हम कुछ मेडिसिन लगा लेते हैं तो हमारा जो ब्लड होता है वो एकदम से रुक जाता है या हम नहीं भी लगाते तो कुछ समय के बाद अपने आप रुक जाता है और उसके ऊपर फिर अपने आप थोड़ा थोड़ा एक लेयर सी जमनी शुरू हो जाती है ठीक है उसी को बेसिकली क्लोटिंग कहते हैं और क्लोटिंग हमें हेल्प करता है बहुत ज़्यादा अगर एक्सेसिव हो जाएगी तो हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो पाएगा ठीक है तो एक्सेसिव क्लोटिंग होना भी ख़तरनाक है बाकी विटामिन के की डेफिशिएंसी से हमें कौन कौन से रोग हो जाते हैं ब्लड क्लोटिंग एक्सेसिव हो जाती है बस ऐसे समझ लो ठीक है जी चलिए वाटर सोलिबल विटामिन करते हैं विटामिन बी वन अब ये जो बी ग्रुप विटामिन है ना ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इनके ऊपर आपने अच्छे से अपनी कमांड रखनी है ठीक है जी तो विटामिन बी वन इसका साइंटिफिक नेम क्या है थाइमाइन ठीक है जी सोर्स क्या है इसका वोल ग्रीन वीट ठीक है जी एंड कोटिड राइस पल्सिस एंड वेजिटेबल ठीक है जी अब देखिए होता क्या है जो इसकी सोर्स है मेनली पीनट्स भी इसका सोर्स है कॉटेड राइस कोटिडाइड राइस आप ऐसे समझ लो ब्राउन राइस आपने खाए होंगे ठीक है जी अब ब्राउन राइस क्या होते हैं बेसिकली जो ज़्यादा फैटी हो जाते हैं उनके लिए बेसिकली ब्राउन राइस अच्छे होते हैं ठीक है थेके? तो उनको डॉक्टर में डॉक्टर रिकमेंड भी करते हैं कि आप ब्राउन राइस खाया करो ठीक है अब अगर हम इसको एक स्टीम धो दें मान लो कि हमारे घर में जैसे सबसे पहले जो भी बनती है सब्जियां वगैरह तो उसको वाश करा जाता है अगर हम इसको एक्सेसिव वाश कर दें तो इसमें से विटामिन भी वाश हो जाता है तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो विटामिन बी वन है पीनट या फिर कोटिड राइस या पल्सिस इनको हमें एक्सेसिव नहीं धोना होता इससे होता क्या विटामिन बी वन भी वाश हो जाता है ठीक है जी डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी इसकी डेफिशेंसी से क्या हो जाता है बेरी बेरी और एक्सट्र बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है ठीक है जी ऐसे समझ लो बस इसकी डेफिशिएंसी से बेरी बेरी डिसीज और बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है चलिए विटामिन बी टू अब विटामिन बी टू जो है इसका साइंटिफिक नेम है रिबो और इसके जो मेनली सोर्स हैं मिल्क नॉन वेज फ्रूट एग और इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है जो हमारी टंग होती है वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है ठीक है जी और हमारे जो लिप्स होते हैं उसमें क्रैक आ जाता है ठीक है जी एंड जो हील्स होती हैं पैर के बिल्कुल नीचे वहाँ पर क्रैक फॉर्मड होने शुरू हो जाते हैं तो इसकी डेफ़िशेंसी से हमें इस तरह के डिसीज़ हो जाते हैं आपने याद रखने हैं लिप्स एंड जो हमारे हील्स हैं इसमें क्रैक्स आने लग जाते हैं ठीक है जी और हमारी जो टंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा रेडनेस होने लग जाती है और मेनली फ़ंक्शन क्या करता है इट हेल्प्स इन आरबीसी प्रोडक्शन हमारी जो बॉडी में आरबीसी आपको पता ही है सबसे इम्पॉर्टेंट है आरबीसी उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है विटामिन बी टू चलिए नेक्स्ट है विटामिन बी थ्री अब विटामिन बी थ्री का साइंटिफिक नेम है नाइसिन जैसे कि मैंने आपको हर बार बोल रहा हूँ कि ये साइंटिफिक नेम आपने रट्टा मार लेने हैं नहीं तो आप इसको दो दो तीन दिन बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे अब देखिए नाइसिन इसका विटाम सॉरी साइंटिफिक नेम है और विटामिन बी थ्री का जो सोर्स होता है वो कौन कौन सा होता है ग्रीन वेजिटेबल मिल्क फ्रूट मीट प्रोडक्ट्स ठीक है जी फिश सभी के सभी ये मीट प्रोडक्ट्स में आ गए ठीक है जी अब देखिए फंक्शन क्या है इसका मेनली प्रमोट हेल्थ ऑफ द स्किन एंड द नर्वस सिस्टम और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब क्वेश्चन क्या आते हैं यहां पर समझिए विटामिन बी थ्री की डेफिशिएंसी से हमें कौन सा डिसीज होता है पेलीग्रा अब पेलीग्रा जो है इसको फोर डी डिसीज भी कहा जाता है क्या कहा जाता है फोर डी डिसीज अब फोर डी डिसीज क्या होता है इसको समझिए फर्स्ट डी यहां पर डी वन ऐसे लिख लो डी टू डी थ्री एंड डी फोर जो D1 है इसको आप ऐसे डी डी मेरेटिटिस ये बेसिकली स्किन में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कर देते हैं जब D2 इसको हम लॉस ऑफ मेमोरी या इसको ऐसे करेंगे डाई मैंटिया ठीक है जी लॉस ऑफ मेमोरी ठीक है जी मतलब अगर विटामिन B3 हो जाए तो हमें D4 होने का खतरा रहता है या फोर होने का खतरा रहता है डी क्या है डायमेटेटिस डायरमेटेटिस क्या होता है स्किन इन्फेक्शन डी क्या होता है डायमेंटिया ये क्या है लॉस ऑफ मेमरी डी क्या है डायरिया एंड डी फोर क्या है अल्टीमेटली यहाँ पर डेथ भी हो जाती है विटामिन बी थ्री की कमी से ठीक है जी विटामिन बी फाइव इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथोथेनिक अब पैंथोथेनिक एक्सिड ये साइंटिफिक नेम है सोर्स क्या है इसके आ, मीट ब्रोकली एवोकाडो और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है बेसिकली लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड हार्ट बर्न ठीक है जी या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बी फाइव की कमी से हमारे जो हेयर होते हैं वो बहुत ज़्यादा वाइट हो जाते हैं जो वाइटनिंग ऑफ हेयर होती है ना वो बेसिकली बी फाइव की कमी से ही होती है और बहुत ही छोटी एज में आजकल ये जो डिसीज़ है वो हमें देखने को मिल रही है ठीक है जी तो वो बी फाइव की कमी की वजह से ही होता है चलिए विटामिन बी सिक्स विटामिन बी सिक्स का जो साइंटिफिक नेम है वो है पायरोडोक्साइन आयरोडोक्साइन इसका साइंटिफिक नेम है सोर्स है इसका मीट वेजिटेबल ट्री नट्स एंड बनाना और इसकी वजह से कौन सा हमें डिसीज़ होता है स्किन डिसीज़ होता है एनीमिया और बस आपको इतना ही याद रखना है ठीक है जी एंड विटामिन बी सेवन बायोटीन इसको विटामिन एच भी कहते हैं टाइम्स ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं एस में तो सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं लेकिन ईपीफ ओ का लेवल थोड़ा सा हाई है तो ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे बट फिर भी आपको याद रखना है ठीक है जी अब देखिए विटामिन बी सेवन जो है आ, ये इसकी कमी से सबसे ज्यादा होते हैं हेयर लॉस और हेयर लॉस जब भी होते हैं तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं बायोटीन बायोटीन शैम्पूज भी आते हैं आजकल ठीक है जी सोर्स क्या है इसके एग योक लीवर पीनट एंड सर्टेन वेजिटेबल ठीक है जी चलिए विटामिन बी नाइन विटामिन बी नाइन का जो साइंटिफिक नेम है वो है फॉलिक एक्सिड और इसकी डेफिशिएंसी से भी एनीमिया हो जाता है और ये प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही खतरनाक साबित होता है अगर विटामिन बी नाइन की कमी हो जाए हार्ट डिसीज़ होने का खतरा है क्योंकि विटामिन बी नाइन जो होता है वो बेसिकली प्रोडक्शन करता है आर एंड डी की ठीक है जी अगर इसकी कमी हो जाए तो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ये डेंजर रहता है ठीक है जी चलिए आपने याद रखना है प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा डेंजर कौन सा विटामिन रहता है विटामिन बी नाइन ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं चलिए विटामिन बी ट्वेल्व ये इसका साइंटिफिक नेम क्या है कोबा लैमिन कोबा लैमिन और इसको आप साइमो कोबालाइमिन भी कह सकते हैं ठीक है जी और ये बेसिकली हेल्प करता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ठीक है जी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर या मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हेल्प्स इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इसके सोर्स क्या है लीवर मीट मिल्क पल्सेस फंक्शन मैंने आपको बताई दिया नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ रेड ब्लड सेल एंड डेफिशिएंसी अगेन यहां पर हाई एनीमिया ठीक है जी उसके बाद विटामिन सी ये लास्ट है हमारा अब देखिए विटामिन सी जो है इसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका साइंटिफिक नेम क्या है एबसकॉर्बिक एक्सिड सोर्स क्या है इसका आंला आमला को डॉक्टर्स प्लांट भी कहा जाता है ठीक है जी सीट्रस एक्सिड फ्रूट एंड ये बेसिकली टेम्परेचर सेंसिटिव विटामिन भी है ठीक है जी अगर मान लो कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो विटामिन की कम, मतलब विटामिन सी की कमी हो जाती है तो इसको टेम्परेचर सेंसिटिव विटामिन भी कहा जाता है और ये मिल्क में एग में चपाती में प्रेजेंट नहीं होता और ये एक्सक्रीशन

एक बार आपने स्पेलिंग गूगल कर लेना ठीक है जी मैं वैसे लिख देता हूं एंटी है जी इससे होता क्या है अल्टीमेटली जब भी एडीएच वीक होता है ना तो यूरिन बहुत ज्यादा आता है ठीक है जी एक्सेसिव यूरिन आता है और आ, इसकी कमी हो जाती है एल्कोहलिक जो बहुत ज्यादा एल्कोहलिक होते हैं बहुत ज्यादा कॉफी का सेवन करते हैं ठीक है जी चलिए डेफिशिएंसी से ऑब्वियसली स्कर्वी का रोग हो जाता है और ब्लीडिंग इनकम्स ये तो चलिए सिंपल ही है इसको तो आपने पढ़ा ही होगा लेकिन ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया इसको आपने नोट डाउन करना है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ठीक है जी तो विटामिन से हमने जितना पढ़ा मोर देन इनफ है इतने में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में ठीक है जी और मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो फैट है काप्स है इससे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे अभी के लिए मैं आपको बताऊँ इम्पॉर्टेंट जो है वही आपने पढ़ना है और विटामिन से क्वेश्चन आते हैं मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ काप्स जो होते हैं वो सी एच ओ की फॉर्म में होता है वन रेशो टू रेशो वन ठीक है जी अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है वो मेनली काम क्या करता है हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है ठीक है जी और हमारी जो कैपेसिटी है वर्किंग कैपेसिटी उसको इंक्रीज कर देते हैं और रिक्वायरमेंट कितनी होती है इसकी पर डे 350 से लेकर 450 ग्राम पर डे ठीक है जी और एक ग्राम में कितनी कैलरी होती है ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं 4.2 कैलरी उसके बाद फ्रक्टोज़ है गैलकोट ग्लैक्टोस है सुक्रोज है ये इसके आगे फर्दर टाइप्स हैं उसमें आपको सब पॉइंट्स देखने को मिलेंगे बट ज़्यादा हमें डिटेल में जाना नहीं है ठीक है जी प्रोटीन जो है ये हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है और प्रोटीन हमारी बॉडी में कब से रिक्वायरमेंट होता है जब हम 14 साल के हो जाते हैं तब हमें प्रोटीन ले लेना चाहिए ठीक है जी वैसे प्रोटीन बचपन में भी ज़रूरी होता है बट मेनली अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तेरह से चौदह साल की एज में हमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और मिल्क में भी प्रोटीन होता है कैसिन ठीक है जी ये आपको नाम थोड़े से पता होने चाहिए कि बॉन्स में कौन सा प्रोटीन होता है ओसिन ठीक है जी और ब्लड में ग्लोबिन तभी इसको हीमोग्लोबिन हम लोग कहते हैं पल्सिस में प्रोली मींस एग्स में एलुमिन और वीट में ग्लोटीन ग्लोटिन होता है ना जैसे जो फैटी लोग होते हैं उनको कहा जाता है कि ग्लूटन कम से कम आपको लेना है तो वो अनाज बिल्कुल छोड़ देते हैं ठीक है तो आपको याद रखना है कि जो वीट होता है उसमें कौन सा प्रोटीन होता है ग्लूटन उसके बाद कैराटीन हेयर और नेल्स में होता है ठीक है जी और इसकी डेफिशंसी से बहुत सारे हमें डिसीज हो जाते हैं ठीक है जी चलिए एंड फैट हमारी बॉडी में कितना रिक्वायरमेंट होता है वन ग्राम में जो फै अगर हम फैट कंसीडर करें मान लो कि अगर आप कोई भी फैट वाला कुछ भी खा रहे हो तो वन ग्राम में फ़ैट होगा अराउंड उसमें कैदिज होगी नाइन पॉइंट टू कैदिज यह आपने याद रखनी है वन ग्राम फैट में कितनी कैदिज होती है नाइन पॉइंट टू कैदिस और इसकी कंजप्शन हमें कितनी करनी चाहिए देखिए रिक्वायरमेंट हर चीज़ की हमें कंप्लीट करनी चाहिए फोर्टी फोर पॉइंट सेवेंटी फाइव ग्राम पर डे ये रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी की ठीक है वैसे वेट के अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट होती है कि आपका वेट कितना है उसके अकॉर्डिंगली आप मेज़र कर सकते हैं और गूगल पर जाएंगे तो आपको ईजली वहाँ पर निकालना आ जाएगा कि कितना हमें फ़ैट लेना चाहिए कितना हमें काप्स लेना चाहिए हमारी जो डेली मील है उसमें हमें कितनी कैलरीज इनटेक करनी चाहिए हमारा बी क्या होता है ये सारा का सारा आपको गूगल में आप कैलकुलेट करके अपना डेली टू डेली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना ज़्यादा यहाँ पर खाना है मतलब ऐसे अपनी डेली लाइफ में और कितनी कैलरीज को इनटेक करना होता है ठीक है जी अब बी एम आई ये बेसिकली क्या होता है बॉडी मास इंडेक्स होता है ये फैट में ही कैलकुलेट होता है ठीक है जी इसको आप एक बार कैलकुलेट करना बी एम आई को तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा डेफिनेटली आप में से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो जिम जाते हैं उनको इस टर्म का पता होगा बी एम आई का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ अगर आप आपका बी एम आई एटीन आता है और ये आपको पता कैसे चलेगा जब आप गूगल करेंगे ना बी एम आई कैलकुलेटर तो आपसे वो दो तीन चीजें पूछेगा कि आपका वेट कितना है आपकी हाइट कितनी है तो आपका बी एम आई कैलकुलेट हो जाएगा अगर आपका एटीन से नीचे है तो आप अंडर वेट है ठीक है जी अगर आपका एटीन टू ट्वेंटी फाइव है या फिर ट्वेंटी सिक्स ये नॉर्मल होता है ठीक है जी ट्वेंटी फाइव से थर्टी ओवर वेट ठीक है जी और थर्टी के बाद तो फिर समझ लो कहानी खत्म ही है ओबेसिटी ठीक है जी और अगर किसी को ज़्यादा फैट हो जाए तो उसको क्या क्या बेसिकली डिसीज़ होने का खतरा रहता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट आज की डेट में देखी जा रही है सबसे ज़्यादा डिप्रेशन जो होता है वो बेसिकली जो फ़ैट जिनको ज़्यादा होता है और बहुत सारी डिसीज़ एक मैं नाम भूल रहा हूँ आई थिंक कोलेस्ट्रॉल पता नहीं ऐसे कुछ करता है तो वो भी काफ़ी ज्यादा बढ़ जाता है तो काफी डिसीज होने का खतरा रहता है ठीक है फिर कभी हम डिस्कस करेंगे अभी हमने विटामिन से जितना डिस्कस करा है और ये एक टेबल है जो आपकी रिविजन में हेल्प करेगा इसको आपने जरूर देखना है पहले पीपीटी अच्छे से देखनी है देन इस टेबल को आपने अच्छे से रिवाइज करना है ठीक है जी अगर आपका कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा मैं वहीं पर आंसर करूंगा अदरवाइज हम नेक्स्ट सेशन जो भी डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे डिसीज़ अच्छा चलिए मुझे बताइए कि नेक्स्ट सेशन में हम डिसीज़ डिस्कस करें या फिजिक्स डिस्क, डिस्कस करें ठीक है जी तो आप कमेंट सेक्शन में जो भी टॉपिक बोलेंगे हम वही डिस्कस करेंगे थैंक यू सो मच अपना ध्यान रखिए